मुझे थोड़ी देर पहले, उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग त्रिपुरा में आज होने जा रही है और हम लोगों के लिए सबके लिए बड़ा प्रसन्नता का पल है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी में सभी राजनीतिक दलों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है। सीपीएम के विधायक मबोसर अली जी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही टीएमसी के पूर्व विधायक सुबोल भौमिक जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम लोगों के मध्य त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी हम लोगों के बीच में मध्य में हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी हम लोगों के मध्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेटर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी हम लोगों के मध्य हैं, त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और संबित पात्रा जी और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आगंतुक जो नवागंतुक है उनको पार्टी में स्वागत करें बुके के माध्यम से और उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची भी दें। थोड़ा बीच में आ जाइए। मबोसर अली जी हैं, विधायक हैं, सीपीएम के एमएलए हैं। साथ ही सुबोल भौमिक जी से भी मेरा आग्रह कि वह भी आए और मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करें। हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा जी से मेरा आग्रह है इस अवसर पर जो दोनों हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं उनका स्वागत करें। अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर मौजूद हमारे त्रिपुरा के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी, मंच पर ही मौजूद त्रिपुरा के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय राजीव भट्टाचार्य दा, डॉक्टर महेश शर्मा प्रभारी त्रिपुरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, अनिल बलूनी जी राज्यसभा सांसद व मीडिया कोऑर्डिनेटर भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता। मबोसर अली जी जो अभी चंद मिनटों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मबोसर अली जी एक पढ़े लिखे नौजवान है, कर्मठ नौजवान है और एक सिटिंग विधायक, एक सिटिंग एमएलए है, वो सीपीएम से है, सीपीआईएम पार्टी से है और कैलाश शहर नामक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वर्तमान में विधायक है और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुख कार्य जो त्रिपुरा में हो रहा है उसको देखते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण किया है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय सुबोल भौमिक जी भी हैं। सुबोल भौमिक जी भी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रतिष्ठित वकील हैं, त्रिपुरा के एडवोकेट हैं और पूर्व में कांग्रेस से
ये विधायक भी रह चुके हैं सुनामारा विधानसभा सीट से त्रिपुरा में, उसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में सुबल भौमिक सम्मिलित हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, हम दोनों ही सदस्यों का स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुबस्सर अली जी अपने विषय को रखें। कैन जस्ट पुट ऑन द माइक। बांग्लार बोलो। ऑन करने माइक तो। सबाई के नमस्कार। आज के देशर मध्य देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी हमारे देशर मध्य जो प्रकल्पगुलो निच्छेन विशेषकर जल घर पीएमओए घर जार मध्य दिए गरीब अंशर मानुष उपकृत होच्छेन तार एकटा सुदूर प्रसारी प्रभाव ग्रामीण मानुषर मध्य पड़छे। তার পাশাপাশি অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট কাজ হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আমাদের রাজ্যেরও সেখানে উন্নতি হচ্ছে, তরক্কি হচ্ছে। আমি মনে করি এই কর্মসূচিতে এই অংশে নিজেকে সামিল করা এবং সেই তাগদা থেকেই আমি আজকে এখানে ভারতের জনতা পার্টির পরিবারের সাথে যুক্ত হয়েছি। আমি আবেদন দেখেছিলাম, ওনারা আমাকে এক্সপেক্ট করেছেন, তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। খুব ধন্যবাদ, আপনার ধন্যবাদ। আমি নিবেদন করব আদরণীয় সুবল ভৌমিক দাকে, আপনি আপনার বিষয় রক্ষ। অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আবেগপূর্ণ মুহূর্ত জিসমে আমারা স্টেট কা চিফ মিনিস্টার জি হ্যায়, সম্বিত পাত্রা জি হ্যায়, ডক্টর মহেশ শর্মা জি হ্যায়, আমারা প্রেসিডেন্ট স্টেট প্রদেশ কা হ্যায়, ওর আজ জো নয়া আয়া মুবাশ্বর আলী सीपीएम का कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, छोटा स्टेट है त्रिपुरा, और नॉर्थ ईस्ट को ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने का बाद ही नॉर्थ ईस्ट को रिकॉग्नाइज किया है। नॉर्थ ईस्ट का जितना सारे डेवलपमेंट हो रहा है ये सब देख के त्रिपुरा के लिए 6 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है इतना छोटा स्टेट में। त्रिपुरा का एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व में हुआ है। त्रिपुरा में बहुत सारे प्रोजेक्ट, फ्रीक्वेंट ये ट्रेन सर्विस, फ्लाइट सर्विस, ये सब नहीं था 8 साल, लास्ट 8 ईयर्स नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेशनल फोरम में ले गया था हमारा प्रधानमंत्री। मेरा ख्याल है उन्होंने बताया था इंडिया में आइए और नॉर्थ ईस्ट जाइए, जाके देखिए नॉर्थ ईस्ट कितना सुंदर है। ये एक प्रधानमंत्री का साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन भी है नॉर्थ ईस्ट का। आज नॉर्थ ईस्ट में सब स्टेट बीजेपी का है, हम धन्य है जो आज इस दिन में हम लोग भी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा का इसमें शामिल हुआ है। और ये हमारा प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारा यहां में जितना सारे लीडर है सबको ये कार्यक्रम में इसको आज बीजेपी में आने के लिए मेरे को एक स्कोप दिया है। अब मैं इसका ये मेंबरशिप लिया है, आज से हम लोग भी जुड़ेंगे इस काम में। और हम शायद त्रिपुरा अगले दिन और भी डेवलप करेंगे और इस चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ जेपी नड्डा जी, अंडर त्रिपुरा में अगले दिन और भी अच्छा गवर्नेंस मिलेगा त्रिपुरा पीपल को एवं बीजेपी का लीडर। आग्रह कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मीडिया बंधुगण,
सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और सबको स्वागत करता हूं यहां पर। आज बहुत ही आनंद का विषय है कि हमारे यहां दो लीडर त्रिपुरा के यहां पर आज ज्वाइन किए हैं। मैं इन दोनों को मोहम्मद मुबशर अली जी जो एमएलए है सीपीएम का और ये बीजेपी में आने के लिए उनको मैं स्वागत करता हूं। और इन दोनों जिस तरह जो परिवार है उसमें शामिल हुए हुए तो आप जानते हैं 2023 हम लोग इलेक्शन है उनको सामने रखते हुए जरूरी है दोनों जो हमारे साथ आए हैं हमारा जो संगठन है और बहुत ही और जिस तरह ट्रांसपेरेंसी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सेंट्रल में उनका सरकार है स्टेट में और हम जो रोड भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार आने वाले दिन पुनर हम लोग सरकार वहां बनाएंगे।